केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने को लेकर कांग्रेस क्षेत्र के हर मुद्दों पर पुरजोर तरीके से उठा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के एक नए मुद्दे को उठाना शुरू किया है। दरअसल केदारनाथ सीट से टिकट बंटवारे पर भाजपा ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट न देकर भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल को टिकट दिया है, जिसको अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट न देकर उनका अपमान किया गया है, क्योंकि शैला रानी रावत ने पूर्व में बतौर कांग्रेस विधायक के तौर पर केदार घाटी में विकास कार्य किए हैं, इसलिए उनकी बेटी की उपेक्षा जायज नहीं। वहीं भाजपा से धरपुर विधायक विनोद चमोली ने इसे सिरे से नकारा है और कहा कि पार्टी ने सोच समझकर ही टिकट का बंटवारा किया है। वैसे भी आशा नौटियाल एक जुझारू महिला हैं और पार्टी की जीत को अवश्य सुनिश्चित करेंगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति का मुद्दा उठाती है जो सरकार द्वारा शोषित हो, पीड़ित हो। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति की छाया में इस बार शैला रानी जी की बेटी आई है। भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि वो जो भी दिवंगत विधायक हैं उनके आश्रितों को टिकट देती रही है। केदारनाथ में भाजपा ने ये परंपरा तोड़ी है और शैला रानी जी कांग्रेस में भी विधायक रही हैं और जब वो कांग्रेस में थी उसी दौर में केदारनाथ क्षेत्र में विकास के काम बड़ी मात्रा में हुए हैं, तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के दौर को याद करती है। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए कहा है कि शैला रानी जी की पुत्री का भाजपा ने अपमान किया और जनता इस अपमान का बदला लेगी। आज केदार घाटी में जिस तरीके से जनता पिछले 7 सालों से सरकारी उपेक्षा झेलने के लिए मजबूर है, घाटी का पूरा कारोबार चौपट हो गया है। केदारनाथ धाम में हक हकूक धारियों के साथ प्रशासन ने जो जातियां की है वो किसी से छुपी नहीं है। 228 किलो सोना पीतल में कैसे बदला, आदरणीय शंकराचार्य जी का अपमान क्यों किया गया, केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रयास क्यों हुआ, इन सवालों के जवाब जनता पूछ रही है और भाजपा के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी वहां पर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है, इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शैला रानी रावत जी समय से पहले हमारे बीच से चली गई, इसका कष्ट हम सबको है। उनके परिवार के साथ हमारी सब संवेदना भी है, हमारा अपना परिवार है, भारतीय जनता पार्टी की हमारे विधायक थी वो। और जहाँ तक ऐश्वर्या राय जी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनके परिवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो ऐश्वर्या हाथ में लेने वाली है, तो पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय पर विचार करेगी। और आज वो पूरी तरह उन्होंने एक बहुत अच्छा जो मुझे उनका कदम रहा कि वो बाकायदा इस समय प्रत्याशी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित भी है और बेहतर भी है।